नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है कि अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। एक राजा था, वो बहुत धर्मात्मा और न्याय करने वाला था और वह भगवान का भी बहुत बड़ा भक्त था। उसने ठाकुर जी का मंदिर बनवाया और एक ब्राह्मण को उसका पुजारी नियुक्त किया। वह ब्राह्मण बहुत ही अच्छा और धर्मात्मा था। वह राजा से कभी भी कुछ नहीं मांगता था। उसके स्वभाव पर राजा भी बहुत प्रसन्न थे और उसे राज मंदिर में पूजा करते हुए 20 वर्ष हो गए थे। उसने कभी राजा से किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं किया। फिर एक बार राजा को एक पुत्र पैदा हुआ। उसने उसे पढ़ा लिखा कर बहुत विद्वान बनाया और उसकी शादी एक सुंदर राजकन्या से करा दी। शादी की रात को राजकन्या को नींद नहीं आई और वह इधर उधर घूमने लगी। जब वह अपने पति के पलंग के पास आई तो उसने देखा कि हीरे जवाहरात से जड़ी एक तलवार वहां रखी है। उसने उस तलवार को म्यान से बाहर निकाला तो वह तलवार बिजली के समान चमकने लगी। यह देखकर वह डर गई और डर के मारे वह तलवार उसकी हाथ से छूटकर राजकुमार की गर्दन पर जा गिरी और राजकुमार का सर कट गया और वह मर गया। वह राजकन्या अपने पति के मरने से बहुत दुखी हुई और वह यह सोचकर बहुत डर गई थी कि अगर मैं सबको सच बताऊंगी तो कोई भी मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा। सुबह होते ही राजकन्या विलाप करने लगी और कहने लगी कि मेरे पति को कोई मार गया। लोग इकट्ठा हो गए और राजा भी आ गया। राजा ने आकर पूछा, किसने मारा है? वह कहने लगी, मैं नहीं जानती वह कौन था, परंतु उसे मैंने ठाकुर जी के मंदिर में जाते हुए देखा है। राजा समेत सभी लोग ठाकुर जी के मंदिर में गए तो उन्होंने ब्राह्मण को वहां पूजा करते हुए देखा। सभी ने उसे पकड़ लिया। ब्राह्मण ने बहुत कहा कि मैंने राजकुमार को नहीं मारा, पर किसी ने उसकी बात नहीं मानी। राजा ने भी बार बार सोचा कि ब्राह्मण निर्दोष हो सकता है, लेकिन सभी के कहने पर राजा ने ब्राह्मण से कहा, मैं तुम्हें प्राण दंड तो नहीं देता, लेकिन जिस हाथ से तुमने मेरे पुत्र को तलवार से मारा है उस हाथ को काटने का आदेश देता हूँ। ऐसा कहकर राजा ने उसका हाथ कटवा दिया और इस पर ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ और राजा को अधर्मी मानकर उसका राज्य छोड़कर चला गया। उसने फिर बहुत खोज की कि कोई विद्वान ज्योतिषी मिले तो अपने बिना किसी अपराध हाथ कटने का कारण उनसे पूछूं। फिर उसे काशी में एक विद्वान ज्योतिष मिले। वो ज्योतिष से मिलने उनके घर गया तो वो ज्योतिष वहां नहीं थे। उनकी पत्नी उनकी आलोचना कर रही थी और उन्हें बहुत भला बुरा कह रही थी। थोड़ी देर में वो ज्योतिषी घर आ गए। उनके घर आने के बाद भी उनकी पत्नी उनका तिरस्कार कर रही थी, पर ज्योतिषी चुप रहे और उन्होंने अपनी स्त्री से कुछ भी नहीं कहा। इसके बाद वो अपनी गद्दी पर जाकर बैठ गए। ब्राह्मण को देखकर ज्योतिषी ने कहा, कहिए ब्राह्मण देवता, आपका कैसे आना हुआ? ब्राह्मण ने कहा, आया तो अपने बारे में पूछने था, लेकिन पहले आप अपना हाल बताइए कि आपकी पत्नी अपनी जुबान से आपका इतना तिरस्कार क्यों करती है? तब ज्योतिषी ने कहा, यह मेरी स्त्री नहीं, मेरा कर्म है। दुनिया में हम जिसे भी देखते हैं, भाई हो, पुत्र, शिष्य, पिता या कोई भी संबंधी, वो सब हमारा अपना ही कर्म है। अपना किया हुआ कोई भी काम, शुभ हो या अशुभ, हमें भोगना ही पड़ता है। इसलिए मैं अपने कर्मों को खुशी से भोग रहा हूँ। ब्राह्मण ने पूछा, आपने ऐसा क्या कर्म किया था? तो ज्योतिषी ने कहा,
पूर्व जन्म में मैं एक कौवा था और आज जो मेरी स्त्री है वो एक गधी थी जिसकी पीठ पर एक फोड़ा हो गया था और फोड़े की पीड़ा से वह बहुत दुखी थी। उस फोड़े में कीड़े पड़ गए थे जिन्हें खाने के लिए मैं इसके फोड़े पर चोंच मारता था जिसके कारण इसे असहाय दर्द होता था। एक बार इसकी पीठ पर चोंच मारते हुए मेरी चोंच इसकी हड्डी में घुस गई और यह दर्द से तड़प उठी। मैंने भी चोंच निकालने की बहुत कोशिश की परंतु वह अटक गई और नहीं निकल सकी। इसने सोचा कि पानी में मैं अपनी चोंच निकाल लूंगा और ऐसा सोचकर इसने गंगा नदी में प्रवेश कर दिया। गंगा का प्रवाह तेज होने के कारण हम दोनों बह गए और बीच में ही मर गए। तब गंगा जी के प्रभाव से यह तो ब्राह्मणी बनी और मैं बहुत बड़ा ज्योतिष बना और आज ये मेरी पत्नी बनी है जो कुछ दिनों के लिए मुझे अपने मुंह से गाली निकालकर मुझे दुख देगी। लेकिन मैंने चोंच इसे दर्द पहुंचाने के लिए नहीं मारी थी, इसलिए इसकी समझ एक दिन ठीक हो जाएगी और अपने पूर्व कर्मों का फल समझकर मैं इसे सहन कर रहा हूँ और मैं इसलिए ही शांत हूँ और उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ जिस दिन इसका स्वभाव अच्छा हो जाएगा। अब आप कहो कि आप यहाँ किस लिए आए हो। ब्राह्मण ने अपना सारा समाचार सुनाया और पूछा, अधर्मी पापी राजा ने मुझ निर अपराध का हाथ क्यों कटवाया? ज्योतिषी ने कहा, राजा ने आपका हाथ नहीं कटवाया, आपके कर्म ने ही आपका हाथ कटवाया है। इस पर ब्राह्मण ने पूछा, ऐसा किस प्रकार हुआ? तो ज्योतिषी ने कहा, पूर्व जन्म में आप एक तपस्वी थे और राजकन्या गाय थी तथा राजकुमार एक कसाई था। जब कसाई गाय को मारने लगा तब गाय अपनी जान बचाकर आपके सामने से जंगल में भाग गई। पीछे से कसाई आया और आपसे पूछा कि गाय इधर तो नहीं आई? आपने जिस तरफ गाय गई थी उस तरफ अपने हाथ से इशारा किया तो कसाई ने जाकर उस गाय को मार डाला। इतने में जंगल से एक शेर आया और गाय और कसाई दोनों को खा गया। कसाई को राजकुमार और गाय को राजकन्या का जन्म मिला एवं पूर्व जन्म में किए हुए कर्म ने एक रात्रि के लिए उन दोनों को इकट्ठा किया क्योंकि कसाई ने गाय को हंसिए से मारा था। इसी कारण राजकन्या के हाथों गलती से ही तलवार गिरने के कारण राजकुमार का सर कट गया और वह मर गया। इस तरह अपना फल देकर कर्म निवृत्त हो गया। और तुमने हाथ का जो इशारा किया था उस पाप कर्म ने ही तुम्हारा हाथ कटवा दिया। इसमें तुम्हारा ही दोष है, किसी और का नहीं। ऐसा सोचकर सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करो। दोस्तों, यदि हम इस कर्म सिद्धांत को मान लें और जान लें तो हम किसी भी घोर कर्म का फल भोगते हुए भी दुखी नहीं होंगे। दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।